नमस्कार दोस्तों, मैं द फैक्ट आई से फिर से एक बार आपके सामने लाइव हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे डेरा सच्चा सौदा के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार मैम। मैम, आपका नाम क्या है? बलविंदर कौर। मैम, आप कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? 25 साल से। मैम, आपकी वजह क्या है? आप इतने सालों से, पिछले 25 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए, इसमें कोई वजह क्या है? वजह ये थी, मेरा था मुंडा बीमार, 4 महीने का हुआ था। उसके बाद मैं जिथे नहीं उत्थे लेके फिर गई उसनू स्थाना पर, धर्मा पर, अस्पताल में भी कितनी राम नहीं आया उसनू। मैंने किसी ने कहा कि सच्चे सौदे जाओ, उत्थे राम मिलेगा। मैं उरे आई, मेरे बेटे को रातों रात राम आ गया। 1.5 साल का हुआ था, ज़्यादा साल फ्री मैं चक्की, मेरा जत्ते मन जुड़ा होया। फिर मेरा कहा भी मेरा ऑपरेशन होगा, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लो, उन्हें दुआ दुख बन जाएगा। मैंने कहा मैं कितनी नहीं जाना, मैं डेरे सच्चे सौदे भेज दो। मैंने 5-7 सिंगल लगातार सुने अपनी मर्जी से, 5-7 संग सुन के मैं अज कायम हाँ। मेरा ऑपरेशन नहीं होया और मेरे दुख इन्ने कट गए, इन्ने कट के मैं कितने भी कुछ नहीं मिलया जो स्थान पर मिल गया। आपको क्या लगता है कि गुरुजी जब से समाज में नहीं है, समाज में क्या बदलाव देखा है आपने? बहुत ज़्यादा खराब हो रहा माहौल, बहुत ज़्यादा। तो देश से उलझ गया, ओहे आवेगा मेरा सतगुरु, ओहे समारेगा। मेरा दिल कहता है ओहे आवेगा, ओहे समारेगा। बस आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील कर रहे हैं भी उसको समझो, ओ रब आ, ओ जोत आ, ओ जगदी दुनिया नु बचाने वाला, दुनिया का भला करने वाला, उन्हें क्यों इस तरह बंद करके रखा? मेरे सतगुरु मर्जी का मालिक आप आ, उन्हें कोई बंद करने वाला भी नहीं है। वो आप खुद खदाई है, जो जानेगा वो ही, उसे नहीं करना। जो मीडिया में पिछले इतने सालों से जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, क्या वो सच है कि हॉस्टल से सुरंग जाती है, ऐसी ये बात सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है, 25 साल से उड़े कोई सुरंग नहीं है, कुछ नहीं। मीडिया वाले तो वह बनाई जाएगी या 20-100 बातें सुनी सुनाई आओ, पैसे के मारे किसी तरह अपन कह सकते किस तरह बना रहे हैं। वो सतगुरु नु पता जो उसते दो दुनिया में चल रहा है, वो दाता ही जाने, मैनू नहीं पता। आपने जो अभी मुझे बातें बताई है, या आपने अपने दर्शन बताए या किसी के दबाव में आकर? मैं किसी के दबाव में नहीं, और सतगुरु ने बुलाया, मैं उसके मुरे नारा लाया, सतगुरु के मुरे भी दाता जो तू बुलावेगा वह मैं बोला। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे एक महिला कैसे डेरा सच्चा सौदा पर कितना विश्वास है। तो आप लोग को क्या लगता है कि इतनी संगत के बाद, इतना सब होने के बाद ये लोग फिर भी गुरुजी पर विश्वास करते हैं? आपको अपने खुले दिमाग से सोचना होगा और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। और देखते रहिए द फैक्ट आई। धन्यवाद।